प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज का व्याख्यान अपना लैंगिक प्रजनन विधि पर रहेगा। लैंगिक प्रजनन विधि होती क्या है? यह एक विधि है जिसके अंदर दो वयस्कों की आवश्यकता होती है, एक नर एक मादा। उनके द्वारा उत्पन्न गैमेट्स, गैमेट्स का निषेचन फर्टिलाइजेशन होना और बाद में वृद्धि कर संतति को उत्पन्न होना, यह संतति अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल, एक रूप एक समान नहीं होती। इसमें जेनेटिक विविधता पाई जाती है। यह होती है लैंगिक प्रजनन। अगर आप चित्र में देखेंगे, एक नर है एक मादा है, उनके द्वारा जो गैमेट्स का निर्माण हुआ है, एक के द्वारा ओवम एक के द्वारा स्पर्म। अब ये दोनों हैप्लॉइड है, अर्थात 23-23 क्रोमोसोम्स की संख्या दोनों के अंदर है। दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया के द्वारा जायगोट बनता है। जायगोट में अब 2N की स्थिति डिप्लॉयड होता है, जिसके अंदर वापस पुनः 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब वृद्धि कर यह भ्रूण वृद्धि कर नवजात संतति उत्पन्न करता है, जिसके अंदर 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, अर्थात 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर अपने को मिलते हैं। इस लैंगिक प्रजनन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसके अंदर दो जीव, वयस्क जीव की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा निर्मित गैमेट्स, जो स्पेशलाइज सेक्स सेल्स होते हैं, उनका उत्पत्ति, नर के द्वारा स्पर्म, मादा के द्वारा ओवम, और उन दोनों का फ्यूजन, निषेचन की क्रिया। और जब यह निषेचन की क्रिया होती है तो उसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है म्यूटेशन के द्वारा दौरान, उसमें अपने को उनके जेनेटिक संरचना में विविधता पाई जाती है, जो संतति में अपने को दिखती है। निषेचन की जो क्रिया अपन विस्तृत रूप से आगे वाले व्याख्यानों में पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ एक परिचय के रूप में ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और तीसरा होता है पॉलिनेशन, जो पादपों में पाया जाता है। सबसे पहले आंतरिक निषेचन। यह ज़्यादातर जो जमीन पर रहने वाले प्राणी है उनके अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर इस नर के शुक्राणु को मादा के ओवम के नज़दीकतम स्थान पर शरीर के अंदर छोड़ा जाता है कि इनका निषेचन की क्रिया सफलतापूर्ण संपन्न हो सके। और फिर बाद में जो भ्रूण विकसित होता है वो माँ के शरीर के अंदर ही होता है, या वो किसी अंडे के रूप में बाहर उसका परिवर्धन होता है। जो बाह्य निषेचन होता है वो ज़्यादातर जो पानी में जीव रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है। उसके अंदर स्पर्म नर द्वारा और अंडे मादा द्वारा शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं, और उनका बाहर ही निषेचन की क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मछलियों के अंदर स्पॉनिंग, इसी तरह मेंढकों में भी ये एक स्पॉनिंग करते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में अंडे और स्पर्म्स का एक दूसरे नज़दीकतम स्थान पर छोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से उनका निषेचन सफल हो सके। फिर आता है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है जो लैंगिक प्रजनन है ना, उसके अंदर किस तरह से वयस्क एक दूसरे मेट को सेलेक्ट करता है। वह प्रकृति ने एक विशेषता दी है इन जीवों को कि वो एक अच्छे श्रेष्ठ संतति की उत्पन्न करे, जो भी डिजायर्ड गुण हैं वो गुण अधिक से अधिक आ सके, और जो सबसे उपयुक्त हो इस वातावरण में जीने के लिए, इसलिए ये अपने मेट का सिलेक्शन करते हैं। उसके अंदर इनमें मेटिंग डिस्प्ले भी होता है, यानी ये मेट करने से पहले किस तरह से लुभाते हैं अपने को, उसके अंदर
मोर एक साधारण अपने सामने एक उदाहरण है जो सबने देख रखा है, किस तरह से नर मोर अपने पंखों के कलरफुल प्लूमेज होता है उसका डांस करके उसको रिझाता है, उसी तरह से कई जानवरों के अंदर नरों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है जिसके अंदर इनके अंदर बहुत अधिक लड़ाई झगड़े देखने को मिलता है, कई जीवों के अंदर मेटिंग डांसेस होते हैं, शोज करते हैं, वो सब उसको एक अच्छे नर के रूप में अपने आप को स्थापित कर कर और उस मादा को रिझाने के लिए ये करते हैं। उसके बाद में इस लैंगिक प्रजनन में समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपन ने इनके अंदर देखा है कि इनके अंदर जन किस तरह से इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पाई जाती हैं, वो साइकिल्स का जो समय होता है वो जिस समय निषेचन की सबसे अधिक सीम प्रबल प्रभावना होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये समय का महत्व इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि कब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन जिनमें पाता है तो वो कब ऐसा सर्कल सेट करे कि दोनों का ओवम का और स्पर्म का रिलीज एक साथ हो कि वो निषेचन की क्रिया अधिक से अधिक कर सके। और इसी प्रकार से जो जानवर है वो कौन से मौसम के अंदर उनके अंदर ये क्रियाएं हो जिसके कारण जो आने वाली संतति है उसको कोई अधिक मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसलिए उस समय मौसम कौन सा होना चाहिए वो सारा ध्यान में रखकर ये समय प्रकृति ने हर एक मनुष्य का अलग अलग अपने आप सेट कर रखा है। इस चित्र के अंदर ये यही वो जो अभी मैंने अभी आपसे चर्चा की वही सारी चीज़ें इसके अंदर दर्शाई गई है कि किस प्रकार से ये दो वयस्कों नर और मादा से ये जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद में एक संतति की उत्पत्ति होती है। तो उसके अंदर अलग अलग नाम जो दिए गए हैं मनुष्य के अंदर इसे इंटरकोर्स कहते हैं, प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिशेज और एम्फीबियंस में स्पॉनिंग कहते हैं, फर्टिलाइजेशन में दो अंडे और स्पर्म प्रो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहते हैं, फिर बाद में भ्रूण के वृद्धि और स्पेशलाइजेशन को आगे परिवर्धन कहते हैं। ये एक उदाहरण दिया है किस प्रकार से इसमें निषेचन की क्रिया हो रही है, उसके बाद में धीरे धीरे दुई कोशिका हुई, चार कोशिका, आठ, और फिर बाद में एक ठोस बॉल कोशिकाओं का बनता है जिसे मोरुला कहते हैं, फिर ब्लास्टुला कहते हैं, फिर गैस्ट्रुला का, फिर उसके अंदर न्यूरुला स्टेज आती है, फिर ऑर्गन्स का निर्माण ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और फिर कई स्टेजेस के अंदर जाकर या तो सीधी संतति जन्म होता है या वो पहले लार्वा बनेगा और फिर उसके बाद में वो वयस्क बनेगा। ये सारी प्रक्रिया इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर होती है। ये अपन सबके रुचि का विषय रहता है मनुष्य के जन्म के संबंधित, तो इसलिए ये पूरा जो फीटल ग्रोथ है जो 8 हफ्तों से लेकर 40 हफ्तों तक किस प्रकार ये मादा के भ्रूण में रहकर ये अपने आप को विकसित करता है उसका चित्र दिखाया गया है। उसके बाद में आता है कि लैंगिक प्रजनन के फायदे क्या हैं। सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो है अनुकूलनता, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी विविधता पैदा हुई है, इसलिए ये प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें अधिक होती है, इसलिए इनकी सर्वाइवल रेट सबसे अधिक होती है। ये सबसे बड़ा मुख्य इस लैंगिक प्रजनन का फायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है कि इसके अंदर दो नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है, इसके अंदर बहुत उनको बड़े होने के लिए समय लगता है, बहुत टाइम और एनर्जी, और एक माँ को एक बच्चे को बड़ा करने में काफ़ी समय लगता है, ऊर्जा लगती है। अगर इस चित्र के फॉर्म में अब इन दोनों के बीच में अंतर बताना चाहे, कल मैंने जब आपको अलैंगिक प्रजनन कह रहा था मैंने भूलवश दो स्थान पर जहाँ मियोसिस लिखा था वहाँ समसूत्रीय विभाजन हिंदी में रूपांतरित किया, वो मेरे से गलती से निकल गया, वो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो ध्यान रहे जहाँ जहाँ कल आपने मियोसिस शब्द अंग्रेजी में देखा है वो अर्धसूत्रीय विभाजन है। अब ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, इनमें क्या फर्क है, कंपैरिजन करते हैं अलैंगिक और लैंगिक के अंदर। तो अलैंगिक में तो डीएनए होता है जो सीधा डीएनए, अब जब लैंगिक प्रजनन होगा उसके अंदर डीएनए एक स्पर्म का होगा, दूसरा डीएनए अंडे का होगा ओवम का, और फिर वो दोनों डीएनए फर्टिलाइजेशन के दौरान में एक साथ आकर जाइगोट के डीएनए बनाते हैं। अगर इसको और अधिक विस्तृत अध्ययन करना हो तो
असेक्सुअल में अलैंगिक के अंदर आप देखेंगे डीएनए डीएनए के रूप में, उसमें किसी प्रकार की विविधता नहीं है। लेकिन जब अपन लैंगिक प्रजनन का देखेंगे तो इसके अंदर डीएनए एक शुक्राणु का है, एक ओवम का है, उनमें कितने प्रकार के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ये अलग अलग रंग से चिन्हित किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जेनेटिक वेरिएशंस की संभावनाएं होती है। ये उसी के अंदर इन दोनों का शाब्दिक रूप है, किस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसको अगर अपन देखें तो ये इसके फॉर्म में अपन देख सकते हैं। तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये दोनों इसके अंदर दिखाए गए हैं। आज का एक और आपसे जिक्र करना चाहता था, दो जीव स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर हाइड्रा, ये दोनों ऐसे जीव हैं जिनके अंदर दोनों प्रकार के अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं। यह उन्हें एक अनुकूलता मिली है कि किस प्रकार ये अपने प्रजाति को बनाए रखें, अधिक प्रजनन कर सकें और जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। ये इन दोनों की स्पंजेस और हाइड्रा के इन दोनों के अंदर दोनों प्रकार के प्रजनन अपने को देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।